नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार सवेर न्यूज में और मैं हूँ पिंकी ढिलोन आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं श्री संग्राम जी की। जी हाँ, वही संग्राम सिंह जी जो हिंदुस्तान के नंबर वन बॉडी बिल्डर हैं और युवाओं के चहेते भी। संग्राम सिंह जी जब रोहिणी में पहुँचे तो विकास शेखावत सहित बड़ी संख्या में युवाओं ने उनका दिल से स्वागत किया। इस दौरान उनके चाहने वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने रोहिणी पहुंचकर अपने फैंस के साथ फोटोज खिंचवाए, ऑटोग्राफ दिए और केक भी काटा और फिर उन्हें ढेर सारी सलाह और उनके सवालों का जवाब भी दिया। आज संग्राम सिंह जी को कौन नहीं जानता। वे अनेकों अवार्ड जीतने के साथ मिस्टर यूनिवर्स का खिताब भी अपने नाम कर चुके हैं। आइए जानते हैं उन्होंने हमारे चीफ एडिटर बलवंत सिंह से हुई मुलाकात में क्या क्या बातें की। मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं अराउंड 4 कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। देन मेरा ट्रैवल फ्री हो जाता है, मेरा रहना फ्री हो जाता है, मेरा डाइट फ्री हो जाता है। देन मैं बहुत जगह पे सेमिनार्स लेता हूँ, पे सेमिनार्स। देन मैं एज ए गेस्ट अपेरेंस के लिए जाता हूँ। देन मोस्टली मैं जिम ओपनिंग्स रहते हैं हर जगह पे, जहाँ पे ओपनिंग्स कोई भी रहता है, इनॉग्रेशन, वहाँ पे जाके मैं मेरे फीस चार्ज करता हूँ। न्यूट्रिशन के बारे में क्या विचार? न्यूट्रिशन के बारे में मेरा विचार यह है कि आपको वो चीज़ खानी चाहिए जिससे आपकी बॉडी चले। न्यूट्रिशन मतलब सप्लीमेंट रहता नहीं, न्यूट्रिशन मतलब खाना। आप जो भी चीज़ खाते हो खाने में, घर में, उसमें आपको प्रोटीन, कार्ब, फैट और विटामिन, ये चीज़ें आनी चाहिए। वो चीज़ें आपको फूड से मिलती नहीं है, इसलिए ये चीज़ों के लिए आपको सप्लीमेंट के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, ताकि आपका कंप्लीट फूड, आपका पूरा खाना सप्लीमेंट कभी नहीं बनेगा, लेकिन बिना सप्लीमेंट आपका खाना कंप्लीट भी नहीं होगा। सो फूड इज़ फूड और सप्लीमेंट इज सप्लीमेंट, दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा करोगे तो यू कैन बी ए बेटर एथलीट और बेटर फिटनेस पर्सन। संग्राम सिंह जी, युवाओं को क्या कहना चाहोगे आप? सर, इन युवाओं को यह कहना चाहूँगा कि सिर्फ बॉडी देख के यार किसी के ऊपर इतना क्या बोलते हैं उसको, ट्रस्ट मत करो, किसी के ऊपर इतना फॉलो मत करो, उसकी दूसरी चीज़ें भी देखनी चाहिए। जैसे सिर्फ कॉम्पिटिशन लड़ना यानी फिटनेस नहीं है, आपको टाइटल जीतना यानी फिटनेस या बॉडी बिल्डिंग नहीं है। वो जीतने के बाद आप उसको कैरी कैसे करते हो? जैसे अगर आप एक बार मिस्टर इंडिया जीतते हो तो पूरा साल आपका नाम पे रहेगा कि आपने इस साल मिस्टर इंडिया जीता है। तो आपको प्रमोट करना चाहिए कि मैंने इस साल मिस्टर इंडिया जीता है, तो उसको आपको क्रेडिट आपका फिर मिल जाएगा आपको। और आपको पूरा साल वैसे ही रहना चाहिए कि आपने जैसे कॉम्पिटिशन जीता है, नहीं तो आपने आज कॉम्पिटिशन जीता और एक महीने के बाद आपको देख के लगता ही नहीं कि आपने कॉम्पिटिशन किया भी था, तो फिर आपको लोग भूलेंगे, फिर आपको ऊपर लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। सो अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना है तो आपको हर रोज़ बॉडी बिल्डर जैसे दिखना चाहिए 24/7। बॉडी बिल्डिंग की कंडीशन नहीं बोल रहा हूँ मैं कि कंपटीशन जीतने की कंडीशन है, वो मेंटेन करना मुश्किल रहता है, लेकिन आपको बॉडी बिल्डर तो आप दिखने चाहिए। जैसे मैं 3 साल से कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे तरफ देख के लोगों को लगता है कि मैं फिटनेस में हूँ या एक्सरसाइज करता हूँ। तो जब तक आपके पास जो दिखेगा नहीं, तब तक आप कुछ भी चीज़ नहीं कर सकते हो। अगर आपको इस चीज़ में या फिटनेस में आपको प्रमोट करना है तो आपको खुद को बेचना आना चाहिए। सिंपल चीज़ मैं बताऊँगा, अगर जब तक आप पता नहीं चलेगा आपको कि आपकी वैल्यू कितनी है, तब तक आप कुछ कमा नहीं पाओगे, और जब तक आप कुछ अर्निंग नहीं कर पाओगे तब तक आपकी लाइफ आगे सेटल नहीं होगी। सो दोनों चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि आप लाइफ कैसे जी रहे हो, आप लोगों को सिखा क्या रहे हो। जैसे बहुत ज़्यादा लोग फिटनेस के मुझे आइकॉन बोल के मुझे फॉलो करते हैं, लेकिन सिर्फ बॉडी को मत फॉलो करो कि मैं बाकी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, मुझे लाइफ में सेटल होना है, मैं बाकी कॉम्पिटिशन्स कर रहा हूँ, खुद को प्रमोट कर रहा हूँ, मेरे ऊपर जो ब्रांड ट्रस्ट करे उनको प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें मैं सीखने के बाद ही कर रहा हूँ। जब तक मुझे लगता नहीं कि दिस इज़ राइट, तो राइट चीज़ों को अगर फॉलो करते हो और राइट चीज़ों को प्रमोट करते हो तो डेफिनेटली आपको जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा कुछ। थैंक यू वेरी मच हमें समय देने के लिए आपका, संग्राम सिंह। शुक्रिया। तो ये थी श्री संग्राम सिंह जी से एक मुलाकात। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए स्टार सवेरा। धन्यवाद।